नमस्ते टुडे आई है इम्पोर्टेंट गेस्ट स्वामी विज्ञानानंद फ्रॉम वीएचपी एच पी इन इंडिया नमस्ते स्वामी आपको मिलकर हमेशा खुशी होती है नहीं, हमें भी खुशी होती है इंडिया में तो हम जब भी दिल्ली में आते हैं तो मिलना चाहते आई ट्राई टू मीट यू ऐसा है एक सूत्र है वैशे का समान बैसने सुसक्षम जहाँ लोगों में समान विचारधारा समान आदतें होती है तो वहाँ स्वाभाविक रूप से मित्रता होती है बिल्कुल बिल्कुल तो सब हम लोग हिंदू समाज के एक्टिविस्ट हैं जी कहीं ना कहीं हम लोग वही अलाइन हैं जी तो स्वाभाविक रूप से मिलने में प्रसन्नता होगी बहुत प्रसन्नता होती है आ, और अशोक सिंगल जी जो थे वो तो बहुत महान थे और उनके साथ हम हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती थी ही हेल्प मी मैनी टाइम्स कई जो भी हमारे कॉजेज थे हम उनको कॉल करते थे वो हमारे साथ अच्छे मिले हुए थे तरह से तो मैं ये पूछना चाहता था कि आप अब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बताएं कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का क्या पर्पस है और देखिए क्या है हिंदू समाज बिलियन सोसाइटी है लेकिन आज भी इस बिलियन सोसाइटी का कोई क्रेडिबल कंसिस्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है जी हम लोग कभी ना कभी छोटे मोटे इधर उधर फंक्शन वगैरह करके कॉन्फ्रेंस करके और मोर रिलीजियस फंक्शन करके सब अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लिए लेकिन इतने बड़े समुद्र में उसका कोई महत्व होता नहीं है और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का दूसरा पक्ष है कि आप देखिए कोई भी समाज अगर ताकत ग्रहण करता है ना जहाँ से उसको इस संसार में रेस्पेक्ट डिग्निटी आइडेंटिटी विजिबिलिटी मिलेगा वो कोर एरिया पर हम नहीं फोकस करते वो कोर एरिया होता है इकॉनमी एजुकेशन मीडिया पॉलिटिक्स एकेडमिक्स ये सब एरिया होते हैं जिसमें आपकी अगर अच्छी पोजिशनिंग है दो यूल बी रेस्पेक्टेड अदरवाइज यू कैन गो ऑन टॉकिंग ऑल योर गुड गुड फिलासफी नो ऑन केयर एंड बॉदर अबाउट बिल्कुल हाँ अब आप देखेंगे एनालाइज करेंगे कि हिंदू रिसर्जन मूवमेंट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बात कह सकते हैं थोड़ा सा राजा राम मोहन राय का शुरुआत होता है लेकिन राजा राम मोहन राय का पूरा हिंदू मूवमेंट जैसा नहीं था अगर सही तरीके से हिंदू मूवमेंट शुरुआत होता है तो आर्म नॉलर से होता है श्रीलंका में फिर उसके बाद हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं स्वामी विवेकानंद होते हैं फिर हमारे तिलक होते हैं सनातन धर्म सभा होता है हिंदू महासभा होता है सारे अब आप देखिए सेकेंड वार तक करके इंडिपेंडेंस तक हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं कहीं ना कहीं सारे हमारे मूवमेंट जो है ना रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं mm. कहीं ना कहीं रिलीजियस मूवमेंट है तो मैं रिलीजन के विरुद्ध में नहीं हूँ लेकिन ताकत आपको नहीं मिलेगा वहाँ से देखो जस्ट आई विल गिव एन एग्जाम्पल बाइबल में एक बहुत पॉपुलर वर्ड है कैमल कैन पास टू द आई फिल बट रिच मैन कैन हेवन राइट कभी कैन यू बिलीव दिस यूरोपियन नेवर बिलीव दिस वर्ड ऑल ओवर हम लोग आज अमेरिका में आ रहे हैं नॉट बिकॉज वी लव अमेरिका बिकॉज अमेरिका गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोस्परिटी चाहे वेस्ट बिकम प्रोस्पेरस हमारे बहुत सारे लोग अभी पैंट शर्ट ट्राउजर पहनते हैं भारत जैसे गर्म देश में नॉट बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है वो इसलिए कि दैट इज सिंबलाइजिंग द सक्सेसफुल एंड सोसाइटी अब सक्सेसफुल को हम कॉपी करते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी पीछे सारा जो स्ट्रेंथ जहां हमें मिलता है उस स्ट्रेंथ पर हमने कभी फोकस नहीं किया और उसका कारण कि हमारे समाज का भी ओरिएंटेशन वैसा हो गया क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया हमने जो जहाँ से स्ट्रेंथ मिलता है उसको हमने फोकस नहीं किया तो इसीलिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस से भी पहले हमने क्या किया सात इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम लेट्स फोकस ऑन द इकॉनमी हिंदू एजुकेशन बोर्ड सो लेट्स फोकस द एजुकेशन हिंदू मीडिया फोरम जो कहावत है ना कि वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल अब महाभारत का उपदेश कितना प्रोफाउंड है कितना प्रैक्टिकल है कंटेम्पररी hmm. हर समय के लिए हम उसको ना फो, फोकस करके हम उस पर फोकस करते तो ए, ये भी एक एरिया है जिस पर हमें अपने समाज को ओरिएटेशन देना होगा तो मैंने कहा कि ये एरिया है इकॉनमी एजुकेशन मीडिया एंड पॉलिटिक्स चार पिलर हैं जो समाज को स्ट्रेंथ देता है फिर पांचवा क्या है कि आने वाला जनरेशन फ्यूचर यूथ है तो यूथ इन सब चीजों के बारे में अवेयर है तो आगे जनरेशन मार्च होगा तो यूथ के लिए हमने फिर हिंदू स्टेंशन यूथ नेटवर्क बनाया पॉलिटिकल के लिए वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम बनाया हिंदू मीडिया के लिए हिंदू मीडिया फोरम बनाया फिर दो और चीज़ हमने एड किए एक हिंदू वुमेन फोरम बनाया हिंदू वुमेन फोरम इसलिए नहीं बना कि कोई हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का उद्देश्य है ऑलरेडी हमारे हिंदू वुमेन हैं, एजुकेटेड हैं क्वालिफाइड हैं टैलेंटेड हैं नॉलेजेबल हैं। अब गया जमाना जब हमारी माताएं नहीं पढ़ती थी ना पचास साल पहले अब ना इक्वली दे आर क्वालिफाइड टैलेंटेड बट अभी भी देखो कि हिंदू मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग लेवल पर लीडरशिप लेवल पर कम है और सातवा है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन फोरम की हिंदू समाज क्या है बहुत एक्टिव है लेकिन एक्टिव वी आर एक्टिव इन पॉकेट लिंग्विस्टिक ऑर्गनाइशन में बहुत एक्टिव है देखिए अमेरिका में देखिए कि कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्ट कितने बड़े बड़े शो करते हैं बट इन रिजल्ट इज जीरो जीरोन फ्रेगमेंटेशन है मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने एक सेक्शन पर फोकस किया उस सेक्शन को और फ्रेगमेंट करने में दूसरा हो गया वो टूटकर और दूसरा हो गया मैं तो सेक्शनल आइडेंटिटी पर आप फोकस कर तो उसको तोड़ना बहुत इजी होता है तो ये लिंग्विस्टिक ग्रुप है कई डिनोमिनेशनल ग्रुप है वो जो अपने में ही कहते हैं यही हम ही संपूर्ण हैं उनको पता नहीं कि इस सारे संसार में जब बिलियन हिंदू सोसाइटी की अच्छी पोजीशनिंग है तो आपको कौन पूछेगा तो ये सात हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और सातों ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंटली काम करते हैं इनको कोई एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करता और चार साल में हम इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि सारा हिंदू समाज का स्वरूप दिखाई दे कि ये सब कोर एरिया पर भी हिंदू समाज सोचता है और इस पर काम करता है इसको आगे बढ़ता है तो इन सब चीज़ों को आज के कंटेम्प्रेरी समाज में जहाँ हमें स्ट्रेंथ मिलता है हमें ताकत मिलता है और एज ए हिंदू समाज ट्वेंटी सेंचुरी में आगे बढ़े जहाँ उसकी डिग्निटी रेस्पेक्ट हो विजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी रेस्पेक्टेबिलिटी हो इन सब चीज़ों को करने के लिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है ठीक है तो एक ये जो आप इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्कशन नहीं होता फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं होता है ये इसका कोर एरिया है लेकिन ये जो इसको सेक्युलर भी नहीं होना नहीं सेकुलर सेकुलर मतलब नहीं फाउंडेशन तो हिंदू होनी चाहिए नहीं नहीं इसलिए आपको देखो हमारे सारे नाम में हिंदू है ये पहले ही जिसको कहते होता है कि जब हमने शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने क्यों हर जगह हिंदू रखो हो मैंने कहा इसको हिंदू नहीं करेंगे तो हम हिंदू के साथ स्टैंड नहीं, करें, तो नहीं करेंगे नाम की तो एक बात है हाँ। लेकिन जो उसकी आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक्स में हिंदू की बेसिस पर ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए

क्रिएट वेल्थ विद्रेड सैन से विद्स दिस इज दिंदू मॉडल सो सपोज ये बात पकड़े uh -huh. की ये हिंदू मॉडल है इकोनॉमिक्स का uh -huh. तो आपका कुछ स्टैंडर्ड है कि जो बिलीनियर बन गए हैं uh -huh. उनको कितना परसेंट देना चाहिए क्योंकि ये ये वेस्ट में फिलेंथ्रोपी बहुत ज्यादा है वेस्ट में फिलंथ्रोपी इतनी ज्यादा है कि जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं कितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं ये फिलेंथ्रोपी से ही बने हुए हैं जो इंडिया में है वो जो आपके का आपका कहने से मतलब आप, आप कहते हैं ये कि ये जो अंबानी है फॉर एग्जाम्पल या जो बिरलाज हैं मंदिर बना देते हैं लेकिन कितना परसेंट अपना वेल्थ ट्रांसफर कर रहे हैं फिलेंथ्रोपी में और कितना परसेंट वो स्विट्जरलैंड में या यहाँ वहाँ भागने वाले जगह में रखते हैं टैक्स में रखते हैं तो ये भी इसका भी इसको भी तो हिंदुज़्म से जुड़ना चाहिए हाँ जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या एक मॉडर्न प्रॉब्लम है आप देखिए भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे बहुत गरीब हो गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में तो हम लगभग हार्डली थ्री फोर परसेंट की हमारी टोटल इकॉनमी हो गई थी उस समय भी देखेंगे जो हमारे बिजनेसमैन बहुत अमीर नहीं थे उस समय भी देखिए दिल्ली के जितने बेस्ट कॉलेजेस हैं हंसराज कॉलेज रामजस कॉलेज किरोमल कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लेडी श्री राम कॉलेज ये सब हमारे हिंदू समाज के सामान्य बिजनेसमैन लोग हैं कोई बहुत बड़ा रिलायंस जैसा मल्टी बिलियनर ने, ने खड़ा इस जमाने में क्या होगा नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ आप देखिए बिरला जी का जब टर्नओवर ओवर सौ करोड़ भी नहीं होगा ना तब वो बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस खड़ा किया

तो ये डू यू फॉलो दिस आई काइंड ऑफ आइडिया नहीं नहीं हम तो कहते हैं कि हिंदू परंपरा है शुरू से कि कम से कम आप टू परसेंट हर साल अपने प्रॉफिट का निकालो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जैसे आपने कहा कंट्रोवर्शियल मैं भी एक थोड़ा सा बता हां वर्ल्ड हिंदू मैंने मैंने अंटिल आई वाज 43 44 हाँ, हमने बहुत धन इकट्ठा किया हाँ, मेरी 20 कंपनीज थी हाँ, तो फिर हमको हैड अ शिफ्ट एंड आई हैिफ्टी बिकॉज ऑफ गुरु एंड आई डिसा ही है हाँ जितना कर सकते हैं हाँ पहले ज्यादा था अब कम कर सकते हाँ जितना भी कर सकते हैं वो में हाँ है। तो पहले, पिछले पच्चीस साल से हम डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए किया हाँ आई वॉज नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिली तो जितना भी था वो अपने आप ने मेहनत से पहले किया है हाँ। हाँ? और फिर बांटने में किया तो एम आई बिंग ए गुड हिंदू इकोनॉमिक मॉडल हाँ क्यों नहीं भाई ये बहुत अच्छा मॉडल है ना कि देखिए बहुत एक पुराना रिकॉर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ पुराना रिकॉर्ड की बता रहा है। कहता है एक रिकॉर्ड बोलता है कि भारत के बनिए बहुत कंजूसी से खर्चा करते हैं जिंदगी भर पैसा कमाते हैं पुरानी की बात कर आज की नहीं जिंदगी पैसा कमाते हैं कंजूसी से खर्चा करते हैं पर अंत में सब समाज को दे जाते हैं अच्छा तो मैंने <coughs> इस बा, इस बार कारण ये दिया नॉट बिकॉज आई अटेंशन क्योंकि जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहे थे देर सेड पॉइंट ब्लैंक, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू अटेंड

नहीं। नहीं। not to अपने आप को नाम डालने के लिए सो वाई नॉट कंसिडर एज ऑल्सो पैनल ए गुड रोल मॉडल दोजन अवे वॉट एवर दे है तो नहीं। फिर उनको तो चाहिए था कि ऐसे इंसान को देखिए

डिसऑन कर दिया नहीं नहीं। आपको क्यों, 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 क्यों आपको देखिए, दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए मैं बुलाया था वो दैट वाज वर्ल्ड हिंदू हिंदू कांग्रेस। कांग्रेस। वर्ल्ड वाज फाइन, बट आई हैड हैड हेल्थ इशू और आपको हमारी बात है इकोनॉमिक्स हिंदू इकोनॉमिक्स इज लॉट अबाउट गिविंग रीसाइक्लिंग

This is not a conference to discuss philosophy and religion on topic, ज नॉट ए practical. टू डिस्कस फिलोस है नाइट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इकोनॉमिक हमने उसमें रखा था कि आपको बताना नहीं चाहता हूँ बड़े लोग है ना mm. बहुत बड़े लोग जो है ना आना चाहते थे कि हम यहाँ पर फंड रेजिंग करना चाहते हैं हम मंदिर बना रहे हैं ये आना है मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मैंने कहा भाई आप बड़े आदमी हैं ठीक है लेकिन दिस इज नॉट प्लेस टू प्लेस टू फंड रेजिंग क्या है कि हमारे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर जो साटो तो फोरम उसमें हमारा फोकस है हम एक दूसरे को अननेसेसरी खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं जो हमारे हिंदू समाज के है का वीक पॉइंट क्या है कि हम किसी भी चीज़ को आज तक

पंद्रह बीस साल से रिलेशनशिप रही है हाँ। तो एक ने मेरे को एक बहुत सीनियर लीडर नेम नहीं करना चाहता उन्होंने मेरे को समझाया कि वीएचपी का रोल जो है वो जो समाज में इमोशनल लोग हैं उनके साथ डीलिंग का है इंटेलेक्चुअल से कम है अब मेरे आई डोंट एग्री विद दैट बिकॉज़ उन्होंने कहा कि देखो ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं ज्यादातर ज्यादातर लोग जो होते हैं दे आर इमोशनल हिंदूस और मैंने कहा फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे हाउ कैन यू कम्पीट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इंटेलेक्चुअल चाहिए एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल चाहिए ऐसा नहीं ये जो लोग बोलते होंगे आई डोंट नो उनका लेकिन अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं हिंदू समाज की बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना तो आपको लड़ाई के लिए एक केले से नहीं जीता जाता है यू नीड इन्फेंट्री यू नीड आर्टिलरी यू नीड ए सब तरह के लोग चाहिए आपको कहते हैं ना हेवी गन जिसको कहते हैं ना आर्मर डिवीजन इसको बोलते हैं आर्मर हुँ, डिवीजन चाहिए आपको सर्विस कोर चाहिए तो आपको सभी चीज चाहिए आप केवल ये कहना कि हम इमोशनल बात करने से काम नहीं चलेगा तो आप जीत नहीं सकते अब आप आपको लड़ाई के लिए इंटेलेक्चुअल भी चाहिए जैसे शंकराचार्य का है देखिए शंकराचार्य बहुत अच्छा आता है हम लोग उदाहरण देते हैं कि भक्ति जो है ना कितना भक्ति की बात की है शंकराचार्य इंदर समाज को अंदर से मजबूत करने के लिए आउटर डिफेंस लाइन के लिए उन्होंने इंटेलेक् फिलोसफी दिया जी. तो हमें समाज को जीतने के लिए दोनों चीज करना होगा हुँ. समाज को सामान्य चीज पर जगाना होगा लेकिन समाज को आगे से भी खड़ा करना होगा जी. किसी इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट का एक वर्ड है मुझे भूल रहा हूं पता है उसका नाम का कि कहते हैं एक्टिविज्म विदाउट इंटेलेक्चुअलिज्म इज एजलेस शार्पनेस नहीं हुँ. है बिल्कुल ठीक है फिर कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म उट एक्टिविज्म इज ए ए सुपरफिशियल उसको नॉलेज नहीं you है युसे हाँ, युसे अब देखिए ये ये जो आपने बताया कि सोसाइटी के जितने अंग हैं उनमें हिंदुओं को आना है नॉट रिलीजन इकोनॉमिक्स हुआ सब हाँ. हुआ ये एक पैट रॉबर्टसन का आइडिया था हुँ. और मैंने कई बार हिंदू को हिंदू को ये लेक्चर में बताया है रॉबर्टसन ने यूनिवर्सिटी शुरू की हुँ. उन्होंने कहा चाहे हम गवर्नमेंट में पावर हो चाहे ना पावर हो वी वॉन्ट टू कंट्रोल सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी के लिए उन्होंने छह सब्जेक्ट लिए एक लिया मीडिया एक लिया लॉ एक लिया स्कूल टीचर्स हाँ, एक लिया गवर्नमेंट में जाना है हुँ. इस तरह के उन्होंने सिक्स डिसिप्लिन उन्होंने रिसर्च करके कहा कि इस इन डिसिप्लिन में अगर क्रिश्चियन लोग हों एंड दे आर गुड क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में जुड़े हुए हैं तो देन वी रन द कंट्री और फिर हम व्हाइट हाउस भी जीत जाएंगे हाँ, उनका, उनका, हाँ, उनका, हाँ, उनका, उनका मुझे पड़ा है सो so, ये मैंने 40 साल हुए उनके विचार हाँ, देखे एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी स्वामी गुरु फॉर लॉन्ग टाइम होना चाहिए लेकिन अब उनका डिफरेंस और अभी आई एम ग्लैड कि हमने ये इंप्लीमेंट करना शुरू किया लेकिन उनक, वो ही वन स्टेप फर्दर उन्होंने हर एक प्रोफेशन में जहां पर क्रिस्टियन आने चाहिए वो क्वांटिफाई कर रहे हैं बेंच मार्क कर रहे हैं कि हम कितने परसेंट जाना चार्थ चाहते हैं अभी कितने परसेंट तक आ चुके हैं तो उन्होंने एक कहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग एडमिट करते हैं जैसे हमारे आई होगा आई ए एस आई उसका जो अमेरिकन इक्विपमेंट है तो हमको चाहिए कि एटलीस्ट इतने परसेंट हम पांच साल में पहुंच जाए तो एक साल में इतना पहुंचेंगे तीन साल में इतना पहुंचेंगे सो एवरी ईयर दे पब्लिश कि उनके जो स्कूल्स हैं उनके अपने कॉलेजेस हैं स्कूल हैं जहां पर ये जो लोग सिखाते हैं हाउ टू गेट इन टू गवर्नमेंट वट परसेंट ऑफ द टोटल गवर्नमेंट हायरिंग इज फ्रॉम हिज एंड इज वेरी प्राउड प्राउडीस परसेंट हम कंट्रीब्यूट करें अब हम अगले साल तीस करेंगे सो hmm. so, इसी तरह से आपकी ट्रैकिंग भी होनी चाहिए hmm. आपकी ट्रैकिंग होनी चाहिए व्हाट परसेंट ऑफ द जजेस आर योर्स व्हाट परसेंट ऑफ द स्कूल टीचर्स आर योर्स व्हाट परसेंट ऑफ द एम्बेसिडर्स आर योर्स यू हैव टू

कितने लोग पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ है वो मेरे लोग हाँ, हाँ, वो ऐसे कहते हैं वो कहते हैं जो रियल सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं बहुत अच्छा रिलीजन की बात नहीं है वो मेरे से जुड़े हुए मेरे जोड़ मेरी सेना वहां पहुंची हुई वो बोलता था ना कि हि क्रिश्चियन आर नर्स कमिंग टू द चर्च चर्च शुड गो टू द क्रिश्चियन हो डोर एंड देयर वी शुड इन्वॉल्व अब देखिए यूएस मिलिट्री इज हाईली क्रिश्चियलाइज्ड हाईली हाइली क्रिश्चियन इट इज वेरी वेल नोन कि वहां पर जो क्रिश्चियनिटी का होता है बहुत धूमधाम से होता है सो नाउ आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन कि ये जो योग है अब हम योग पर एक सीरीज कर ले हैं कि योग क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है हिंदू से जुड़ा हुआ है जूस से जुड़ा हुआ है सेक्युलर है हेल्थ के लिए है क्या है सब कुछ सो so, उसके हमने रिसर्च किया है कि देर आर अबाउट एट टू नाइन डिफरेंट था आठ नौ विचार हैं कि योग का और धर्म का रिलीजन का और सेक्युलरिज्म का क्या संबंध है हम हर एक विचार पर एक एक एपिसोड कर रहे हैं एक एक एपिसोड मतलब उस विचार का जो भी टॉप लोग हैं उनको हम इन्वाइट करके डिस्कशन करेंगे और ये मिनी सीरीज बन गई अभी तीन एपिसोड हो चुके हैं तो इन विचारों में हम जो हिंदू गुरुज हैं उनके बारे में हम करेंगे क्योंकि हिंदू गुरुज भी काफी मिक्स्ड हैं कुछ कैसे हैं कोई कैसे हैं अब इस इन तरह के जो पॉलिसी इन तरह के जो इश्यूज हैं इन पर वीएचपी का कोई पोजीशन पेपर है कि ये हमारा वीएचपी का ये स्टैंड है, है कि कई गुरु कहते हैं कि योग क्रिश्चियन भी है कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका कोई हिंदू के साथ संबंध नहीं है कई गुरु कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्ट यही है तो इसका मतलब जो गुरु कई लोग मैं नाम नहीं लेना चाहता जो काफी ग्लोबल हैं, फेमस हैं बहुत उनके मल्टीनेशनल ठीक है एम्पायर है।, है वो प्रोपिगेट कर रहे हैं कि ये जो योग है इसका हिंदू धर्म से कुछ है नहीं आता तो इसके लिए आप कुछ करना चाहिए नहीं, नहीं, इसके आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए देखिए क्या है मिसलीड तो कर रहे हैं ना वो पूरी तरह मिसलीड तो, तो मैं उनसे उन... मैं, मैं, जैसे मैं... आप मिसलीड मिस... मिस्ली, आप कर रहे हैं ना आपको आप जैसे लोगों को क्वेश्चनिंग करना चाहिए हमारे लोगों को भी क्वेश्चनिंग करना चाहिए ऐसे लोगों को जो मिसलीड कर रहे हैं उनको समाज में क्वेश्चन होना चाहिए तो हम हमारा यही दिस इज माई रोल मेरा कोई बिग एम्पायर तो है नहीं हाँ. तो मैं ये इंटेलेक्चुअल की तरह उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ क्रिस्ट भी कई लोग मुझे साथ लेके हैं कि ये जो, ये जो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्योंकि हाँ. ये, भी हो जाएगा। okay, ये भी कहते हैं सो so, ये जो सिचुएशन है जो हम एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि योग के ऊपर हम मिली सीरीज कर रहे हैं हाँ. तो अभी हम वेस्टर्नर्स के साथ मिलकर कई लोगों की विचार लेकर अलग अलग विचार लेकर आपस में उनके भेद भी है डिबेट भी करवा कर वो क्लियर कर रहे हैं कि वेस्ट में भी कितने कैंप्स हैं है अलग अलग कैंप्स कैंप और फिर हम ये सारा कुछ लेकर फिर हम जो हिंदू गुरु हैं उनका सामना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हम आएंगे कि हमको भी आप ये डिबेट या 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 कुछ चीज विचार कोई डिस्कशन में ऑर्गेनाइज किए जिसमें हम भी कुछ ये क्योंकि जो ये गुरुज हैं ये सामना नहीं करना चाहते क्या है कि गुरु ये सारे गुरु जो है ना कोई भी मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ किसी गुरु ने ठीक से योग शास्त्र नहीं पढ़ा किसी गुरु को योग का मतलब नहीं है किसी गुरु को साधन पाद समाधि पाद में क्या योग है उसका नॉलेज नहीं है नहीं। ये सब क्या चॉकलेटी गुरु है बॉडी ये बहुत सिंपलिस्टिक वे में योग को बहुत सेल करना और वेस्ट में इग्नोरेंस बहुत है रोमांटिसिज्म बहुत चॉकलेट गुरु, हाँ, मैं उसको गुरु, गुरु। बात है <laughs> हाँ, तो ठीक बात है लेकिन इनको तभी होगा कि समाज में हमारे आप जैसे लोगों को वी एंड

मैं बोलता हूं कि ये सब योगा गुरु जो है ना योग से अविद्या फैला रहे हैं इसका उत्तर उसी योग शास्त्र में है हाँ। कि वाद दे टीचिंग इज नॉट विद्या इज अविद्या अविद्या तो ठीक तो तो, है आई आई एम हैप्पी वी आर ऑन दिस ये जो बीफ फेस्टिवल है हाँ। ये आई वॉज वेरी सैड कि ये आई मद्रास में ये बीफ फेस्टिवल कर रहे हैं हाँ। और आ, आ, केरला में काओ को काट कर सड़क पर प्रोसेशन कर रहे हैं अब ये हिंदुस्तान में ये चीजें हो रही हैं तो इसका आपके बारे में क्या इलाज है ऐसा है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको हिंदू समाज की सेंसिटिविटी का पता नहीं है कि एक ज़माने आएगा और वो सोकाल इंटेलेक्चुअल मीडिया जो भी इसको प्रमोट कर रहा है और लेफ़्ट लिबरल राइट के तो उनको पता होना चाहिए कि देश में इतना गाय के प्रति सेंसिटिविटी है कि 1857 का रिवोल्यूशन इसके कारण से हो गया और पूरा जो माइटी अंग्रेज़ सरकार जो हिल गई तो ये जो अभी धीरे धीरे हिंदू

कि भारत से कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा जी, है जी। और कितना क्या हो रहा है ये लोगों को बताना चाहिए और कि भी, हम लोग भारत जैसा देश जो हम लोग कहते गौ को माता कहते हैं बेसिकली हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेन करता है उस देश से अब बीफ इतना एक्सपोर्ट है बीफ एक्सपोर्ट तो कंप्लीटली बैन होना चाहिए बिल्कुल बैन होना चाहिए क्योंकि अरे बीफ नहीं होगा कोई दूसरा एक्सपोर्ट कर लेंगे जी जी भाई जब आईटी एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो उस समय तो आपका बीफ एक्सपोर्ट था लेकिन आईटी एक्सपोर्ट उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपको रेवेन्यू दे दिया जो रियल डी एन ए है प्लांट का उसको चेंज करके उसमें कोई और जीन डाल के ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े उसका प्रॉब्लम भी बहुत है उसके साथ पूरी टेस्टिंग भी नहीं हो चुकी और जो टमाटर है उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए पिंक कट जीन डाल दिया है इस तरह की अलग अलग चीजों की मेनिपुलेशन इंजीनियरिंग की है ये भी धर्म के अगेंस्ट ही है बिकॉज धर्म के अगेंस्ट इसलिए बिकॉज आप बनावटी यू आर मेकिंग लाइफ फॉर्म्स आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म आप बना ले क्या है कि धर्म के विरुद्ध तो है ही साथ साथ ह्यूमन समाज के विरुद्ध भी है क्योंकि अल्टीमेटली फूड का मतलब क्या है शरीर को नॉरिश करना जी है ना आप कम खाओ लेकिन हेल्दी खाओ जी आप ज़्यादा प्लेंटी प्रोड्यूस कर रहे हो जी ज़्यादा खा रहे हो और बीमारी पैदा कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है अब तो पूरा टेस्टिंग नहीं हुआ अमेरिका में बहुत लोग डिमांड करते हैं कि यू शुड राइट दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यहाँ के यहाँ के कंपनियाँ लिखने के लिए तैयार नहीं है जी तो ये क्या है कि हमारे समाज के लॉन्ग टर्म के लिए क्या है किसी भी देश के लिए जो कि फ़ूड का ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हमारा न्यूट्रिशन है जिसमें हमारी बीमारी कम होता था हमारा अपना सिस्टम था हमें उसी पर जाना चाहिए और ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में हमें प्रोडक्शन करने के अपने तरीके पैदा करने चाहिए ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा था पुराने लोगों का रिकॉर्ड है तमिलनाडु में जो चेंगलपट का जो सारा रिकॉर्ड आता कि हमारे यहाँ कितना हाई हिल्डिंग राइस वैरायटी था मणिपुर में ऐसे बहुत जगह थे तो हमारा जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कह सकते हैं जो फूड का जो जीन स्ट्रक्चर उसको बिना डिस्ट्रॉय किए हुए अगर हम अच्छा फूड प्रोड्यूस कर सके और लोगों का पेट भर सके तो हमें आर्टिफिशियल तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो हार्मफुल ही है ठीक है तो इसका मतलब आपका विचार हमारा विचार एक ही है लेकिन ये वीएचपी का पोजिशन है हाँ बी का पोजिशन है जीएमओ नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए

हिंदुइज्म तो वीक नहीं है हिंदू मूवमेंट वीक कह सकते हैं आ, आ, उसका कारण क्या है कि जब जो हिंदू मूवमेंट शुरुआत हुआ तो नॉर्थ से शुरुआत हुआ है ना बड़ा सा मूवमेंट जिसको कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म सभा महासभा हमारे तिलक बाल गंगाधर तिलक लाल लाजपत राय स्वामी श्रद्धानंद जी पर लेकिन अभी तीस चालीस साल तक तमिलनाडु ठीक था और केरला भी ठीक था वो रहे हैं कितने मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सारा उसका वहाँ मूवमेंट का इम्पैक्ट था फिर साउथ में क्या है आपने किताब में लिखा है ब्रिटिश इंस्पायर्ड सब वो द्रविडियन मूवमेंट खड़े हुए तो द्रविडियन मूवमेंट खड़े हुए तो वहाँ लोगों को ब्रेन वॉशिंग किया मैं आपको बता रहा हूँ आपको बताओ इंटरेस्टिंग अभी एक हम लोग नहरूबी में थे हम और वेंकैया नायडू तो बोला कि स्वामी जी हम लोग एंटी हिंदी एंटी हिंदू मूवमेंट करते थे तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हिंदी है कहाँ हमारे आंध्र प्रदेश में हिंदी है नहीं हर जगह तो आंध्रा में लिखा हुआ तो लोगों ने कहा पोस्ट ऑफिस में रेलवे स्टेशन में हिंदी है है ना तो क्या है इमोशनली द ब्रेन वॉश किया ना इमोशनली ब्रेन वॉश किया कि कोई भी अच्छी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हिंदू मूवमेंट आया तो उसको एज ए ब्राह्मीण मूवमेंट एंटी और नॉर्थ मूवमेंट करके उनको प्रचार किया क्योंकि उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था लेकिन अब साउथ में भी धीरे धीरे जो है ना वो पहले जो फेरेसियसनेस था उनके अंदर एग्रेसिव ने वो कम हो रहा है अब साउथ में थोड़ा स्लो है क्योंकि वो तीस चालीस साल का गैप है लेकिन हिंदू मूवमेंट थोड़ा पकड़ रहा है आपको बताऊँ अगले बीस तीस साल में वो टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा अभी डिफिकल्ट टाइम है लेकिन वो बदलेगा आपको बता रहा मेरे देखते देखते जस्ट एक उदाहरण के लिए पहले गणेश उत्सव में इतना पॉपुलर नहीं था था हैदराबाद तक आज देखिए बी में गणेश उत्सव को आपको रिमोट तमिलनाडु के गाँव में होता है बड़े धूमधाम से होता है ये भी बात अभी हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे आ, ये तमिलनाडु में आई आई मद्रास में इस साल के एंड में करेंगे वो इसी टॉपिक पर है ये जो आर्यन रेविडियन डिवाइड किया है उसको इसके विरुद्ध हम कॉन्फ्रेंस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री भी डालेंगे आर्कियोलॉजी भी डालेंगे लिंग्विस्टिक्स रिलीजन सारी चीजों में डालकर इकोनॉमिक सारी थियोरीज में डालकर ये डिमोलिश करेंगे जो ये जो डिवाइडेड एटीट्यूड है तो इसके लिए भी हमको कोलाब्रेशन चाहिए मतलब कोलेबरेशन का मतलब कि जितने भी हिंदू ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम जुड़ के इकट्ठा कर सकते हैं तो उतना अच्छा रहेगा क्योंकि हम अपने लिए नहीं, नहीं कर रहे नहीं नहीं हम आप तो अपने लिए क्यों कर रहे हैं देखिए तो, क्या है हम तो ये आप कर रहे? अपने लिए कर नहीं कर रहे हैं भाई जी? जो भी बताइए हम लोग से जितना होगा हाँ, ए, क्या है हम लोग सब हिंदू समाज के इन्फेंट्री हैं जी जी है ना इन्फेंट्री को कम से कम तो भाई इन्फेंट्री के साथ बहुत सारा पीछे बैक आर्टिलरी और आर्मर डिवीजन का बैक नहीं है हाँ, हाँ, तो कम से कम जो जितने इन्फेंट्री उनको तो मिलजुल के काम करना चाहिए हम करेंगे हाँ। करेंगे तभी तो तो हमारा सपोर्ट सिस्टम होगा तो आपसे बात जैसे बता रहा हूँ आर्यन द्रविडन का बता रहा हूँ कितना इग्नोरेंस मैं आपको बता रहा हूँ भागवत महापुराण में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हम जो जो अभी वंशज हैं भारत में हम लोग हिंदू लोग सतव्रत मनु के वंशज हैं और सतव्रत मनु कोई उत्तर भारत से नहीं है दक्षिण भारत से है उनका नाम है द्रविडेश्वर राइट राइट ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कोई अंग्रेजों ने नहीं लिखा है हम तो कहते हैं कि अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग सब द्रविड़ हैं ठीक <laughs> है हम सब द्रविड़ हैं है। और जाफना में चले श्रीलंका में जाफना में वहां के राजा का नाम था आर्यन चक्रवर्ती बोलते थे जाफना जो पक्का तमिल गढ़ है श्रीलंका में वो अपने आर्यन चक्रवर्ती करते थी, थी। तो ये चीज को है ना हम लोग को डेमोलिश करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा मैं बीइंग ए साधु ब्रह्मचारी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू समाज को आगे तभी बढ़ेगा जब आप जैसे गृहस्थी लोग अपना हिंदू समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ेंगे हमारे जैसे साधु का उसमें कैटलिस्ट का रोल है बड़ी है तो ठीक बात बढ़िया दिस इज वेरी गुड पॉइंट पॉइंट अच्छा कई और स्वामीज के ऊपर गलत तरीके से अटैक्स हुए जब अशोक सिंगल जी थे मैंने उनसे एक दो बार बात की थी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वामी जी थे उनके ऊपर अटैक हुआ मैंने अशोक सिंगल जी को कहा एकदम ही वॉज़ हेल्पिंग एस टोटल अब ये अटैक चली आ रहे हैं ये ये अटैक कुछ मीडिया के बारे हैं कुछ कन्वर्जन के बारे में कुछ जेलसी है और ये जो हिंदू गुरुज़ हैं आपस में हेल्प नहीं करते क्योंकि ये वो उनका कहना ये होता है सपोज़ गुरु वन को अटैक हुआ मैं गुरु टू थ्री फोर के पास मैं गया कि आप प्लीज़ उनको हेल्प करो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि मेरे ऊपर ना हो जाए मैं अलग रहूँ मैं वाई शुड आई स्टिक माइ निकाउं एक दूसरे के वो सहायता करने के लिए नहीं आते तो ये भी होना चाहिए क्या है कि ये सारा जो सो so कॉल्ड गुरु मठ रिलीजियस मूवमेंट है ना उनका फाउंडेशन इज वेरी सोलो ट्रुथ के बेस्ट नहीं है देखो साधु अगर जो हमारा डिसिप्लिन है साधु की हमारी परंपरा है उसको हम पालन करेंगे तो ये सब गड़बड़ी नहीं होगा कुछ तो हमारी गड़बड़ी है कुछ तो है है ना हमारी खुद गड़बड़ी है उसका वो फायदा उठाते हैं है वो फायदा जो हमारे शत्रु लोग उनको मौका मिलेगा जी जी लेकिन इसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर साधु गलती कर रहा हो तो केवल हिंदू हो है इसके कारण इसको गलती को अगर दबाओगे तो, तो डर बढ़ेगा वो तो ठीक है हम भी हमारा क्रिश्चियन चर्च की तरह से जैसे आज पी फील अगर हो होगा आज नहीं कल वैसा, वहाँ वहां भी होने लगा इसलिए हिंदू समाज के जो फाउंडेशन ट्रूथ है हमारी परंपरा है तो जो गंदगी है वी शुड नॉट सपोर्ट द गंदगी और किसी साधु के साथ सचमुच में गलत हो रहा है तो वी शुड स्टैंड फॉर दैट तो उसको सपोर्ट हिम उसको इवेलुएट भी तो करना चाहिए हाँ, कि ये क्या है ये ठीक हाँ, है या गलत है हाँ, उसके लिए चर्च ने अपने अंदर ही एक लीगल सिस्टम बनाया है तो चर्च अपने अंदर ही ट्राई केस लड़ती है हाँ, फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि इसको सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना है तो ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है जो डिस्प्यूट को रेजोल्व करने के लिए इंटरनल हिंदू मैकेनिज्म नहीं है ऐसा क्या है तो इसलिए इसलिए वो कोर्ट में चले जाता है और जब कोर्ट में चले जाता है तो मीडिया पकड़ लेती है और फिर हिंदू हिंदू जानते भी नहीं कि इसका असलियत क्या है ये सच है या झूठ है क्या है अभी जैसे श्री श्री रविशंकर के अगेंस्ट ये दिल्ली में जो जमुना का गया हुआ आई वेंट एंड सपोर्टेड एंड डिफेंडेड हिम क्योंकि मैंने कहा कि विदाउट प्रूफ क्यों कर रहे हैं हाँ। प्रूफ नहीं था केस कोर्ट में नहीं कोई जीते उनके अगेंस्ट कोई नहीं जीता लेकिन उनकी बदनामी के लिए आ गए थे तो प्रॉब्लम मेरा ये है कि विदाउट कोर्ट जजमेंट विदाउट कोर्ट जजमेंट पहले ही किसी लोग किसी हिंदू को बदनामी के लिए उनके अगेंस्ट एलिगेशन होती है और जो मीडिया उनके पीछे भागती है और फिर जो हिंदू समाज है वो समझते समझती है कि ये तो गलती परसेप्शन क्रिएट करता है आपकी बात सही है उसमें क्या है कि जो पुराने हमारे इंस्टीट्यूशन थे जहां पर इंटरनल मेकेजम था जहां गलत अच्छी चीज का चेकिंग होता था हमारे थे वो सारे इंस्टीट्यूशन को पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया उनको इसकी वैलिडिटी नहीं रही जब वैलिडिटी नहीं रही तो क्या है कि जब कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो सब कोर्ट में गए नहीं तो पहले इंटरनल मेकेनिज्म था ऐसे होना चाहिए हाँ और किसी भी समाज को कुछ भी इंटरनल चीज़ को एड्रेस करने के लिए इंटरनल चीज़ ही डेवलप करना हमारे इंटरनल मेकेनिज्म था वो सारा इंटरनल मेकेनिज्म सेकुलर गवर्नमेंट आकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस सब डिस्ट्रॉय हो गया सो सपोज मेरे को किसी गुरु के साथ या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ पोलिटिकल है या जो भी है कोई मेरे को प्रॉब्लम है There should be some Hindu mechanism. पहले मेरे को वहां जाना चाहिए जरूर वहाँ जाना चाहिए अपने आई शुड ट्राई कि जस्टिस मिले तो क्या कि वैसा कोई इंस्टीट्यूशन हमने नहीं खड़ा किया ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पुराना इंस्टीट्यूशन हमने खत्म कर दिया है और नए इंस्टीट्यूश हमने कोई बुलाए नहीं तो इसका मतलब जितने आपके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में जितने छः सात आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत अच्छी है एक लीगल भी होनी चाहिए हाँ लिकिन... एक लीगल होनी चाहिए एक्सटर्नल के लिए भी इंटरनल के लिए भी दोनों को उसमें लॉयर्स इकट्ठे करने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आवर धर्म शास्त्र क्या होना चाहिए ऐसा है कि अभी तो हमने शुरुआत की अभी तो जर्नी शुरुआत है हिंदू समाज बड़ा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रेंथ आएगा रिसोर्सेज आएगा तो ये सब सब खड़ा करेंगे ना लड़ाई के लिए जो भी आवश्यक है हिंदू समाज को डिफेंस के लिए क्या एक ही साथ सब चीज़ करने लगेंगे ना तो वी विल बी ओवर और जो कुछ भी हो रहा है वो भी कोलैप आएगा तो ये थोड़ा हमने केयरफुल रखा है कि लेट्स मूव मैंने स्टेप बाय स्टेप वो समर्थ गुरु रामदास कहते आहे तत्व के जतन करो पहले जो है उसको लो और फिर उसको कॉन्सलेट करो फिर आगे बढ़ो जी ऐसे आप ही आपने चार साल में बहुत कुछ काम कर दिया आई एम वेरी हैप्पी विद दैट तो ये जो यूएसए में अब यूएसए में मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ यूएसए में अब ये हिंदू स्टूडेंट काउंसिल से हम बहुत जुड़े हुए हैं उनसे काफ़ी कुछ करते हैं अब ये हिंदू ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एक नया ट्रेंड है कि एक हिंदू चैपलियन को

लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है कि पब्लिक में आके ये लोग नहीं, करने पाते। वो नहीं करते हैं तो है। दूसरी कुछ लालच सेल्फिश बात है दूसरी बात है वो इग्नोरेंट है उनको किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं दी तो ये है? जो, जो चैपलिन है ये बड़े यंग लोग यंग इंडियन लोग हैं जो हिंदू हैं उनको ये यूनिवर्सिटी अच्छी से पैसा देकर अच्छी तनख्वाह देकर अच्छे फैसिलिटीज देकर उनको हिंदू चैम्पियन कह लेते हैं और एक दो हैं जो स्वामीज भी हैं जो हिंदू चैम्पियन बने हुए जैसे हार्वर्ड में हैं लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हैं वो यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा समझते हैं क्योंकि वो मालिक हैं और वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं कि वो अपने धर्म को छोड़कर उनकी बात में उनकी विचार से वो जुड़े हुए हैं और

ये इस्लाम में भी ऐसे है अब हमारा रिलीजन है डिसेंट्रलाइज उसमें बड़ी खूबियां हैं सेंट्रल कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं है लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड पॉलिसी होनी चाहिए जो भी हिंदू चैप्लियन बनेगा उसको मिनिमम रिक्वायर्ड पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए अब ये भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए नहीं आपकी बात सही है ये नीड है लेकिन क्या है कि जो भी चैप्लियन सी गए हैं वो पहले एजुकेटेड नहीं है ट्रेन नहीं है उनका कन्विक्शन नहीं है तो ऐसे लोग कहीं पर भी जाएंगे तो स्टैंड नहीं करेंगे बहुत क्लियर है रही बात ट्रेनिंग देने की बात है क्या है कि वी ने मैं आपको बताऊँ बीस साल पहले जैसे अमेरिका में 20 साल पहले लोगों ने कहा कि हमें एजुकेटेड ट्रेन क्वालिफाइड प्रिस्ट आना चाहिए वी ने अपना पैसा खर्च करके हमने 30 पृष्ट को सेलेक्ट किया भारत में जो पोस्ट ग्रेजुएट थे संस्कृत में उनको अलग से एक साल की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी कि भाई ये मंदिर में जाएंगे जब ट्रेंड हो गए ना तो वही मंदिर के लोग बड़े बहते थे हमें ट्रेंड चाहिए पृष्ठ वो उन पृष्ठ को नहीं रखे उनको सब अपने पृष्ठ लोगों को चाहिए कि ऐसा आदमी चाहिए जो उनका रिश्तेदारों का हो उनका परिचित का हो उसका कनेक्शन वही पृष्ठ रखे तो क्या है कि कल हम ट्रेंड भी करें अगर समाज सब का सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो एफर्ट्स बर्बाद हो जाएगी इसलिए केवल वी एच पी के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सभी हिंदू समाज यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग संगठन हैं जिनके पास पैसा भी है साधन भी है रिसोर्सेज भी है और ज़्यादा मंदिर उन्हीं के पास हैं और उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबको मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए वी हो सकता है लीड ले जैसे वी एच पी एच एम ई सी करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इन सब को मिल करके इसका सचमुच में मेकेनिजम नहीं बनाएंगे ना तो अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो ये समस्या अब आगे बहुत बढ़ेगी ये बढ़ेगी हाँ। क्योंकि ये फैशन बन गया है हाँ ये फैशन बन गया है कि आप हिंदू ही कोई हायर करेंगे और वो ऐसे बात करेगा कि हम तो यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे ये तो हिंदू चैप्टर और हिंदू की बात बात कर रहे जो, हाँ. जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है है वो वो को साइड करेगा हाँ. ये बात है, ये क्योंकि उसको उसको ऐसा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोनों तरीके से वो जमींदार है जैसे हाँ. अंग्रेजों ने जमीन रखी ठीक है <laughs> नहीं उसको को भी होना चाहिए और समाज अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी हटा देता है कि यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में एंटी हिंदू चीज सिखा रहे हैं तो मैं यहाँ पर हिंदू का आई एम द रिप्रेजेंटेटिव तो मैं आई विल रिप्रेजेंट तो हरे इन ये यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर की ताकत बहुत है जो हाँ। रिलीजन सिखाता है हाँ, हाँ।, हाँ। जो इकोनॉमिक सिखाता है जो पोलिटिकल साइंस सिखाता है जो जो हिस्ट्री सिखाता है उसमें सारा ये ये दलित द्रविडियन ये चीज़ें सिखाते हैं जो हिंदू चैप्टर है वहाँ से वो डरा हुआ है और मेरे को सपोज मेरा और ऐसे प्रोफेसर के साथ कोई बहस हो वो उनकी साइड देगा नहीं कारण क्या है कि इन सारा चीज़ों पर हम लोगों ने जैसे कर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो समाज का नीड है हमने काम नहीं किया पोस्ट सेकेंड वार जो वेस्टर्न एकेडमिक्स लोगों ने डिपार्टमेंट रिलीजन स्टडी शुरू कर दिया और तो और रिलीजन स्टडी में पूरा हिंदू स्टडी जैन बुद्ध ज्यूस वगैरह सब शुरू कर दिया अब उसमें क्या है ये लैंग्वेज जैसे ग्रामर पढ़ के आए वो भी संस्कृत का विद्वान आदमी है लेकिन उसको रिलीजियस स्टडी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं है फिलोसफी पढ़ गया उसको भी एक्सेप्ट वो दिस इज एक्सेप्टोपोलॉजी अब हमें क्या है कि हमें दोनों चीज करना पड़ेगा कि एक तो उनके फ्रेमवर्क में जा करके उनको घुस करके खत्म करना होगा और अपना फ्रेमवर्क बनाना पहला तो पूर्व पक्ष उनका पूछताछ करके उनको हराओ फिर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए वो भी पोज का हम लोग बचपन में हमारी माता जी कहानी सुनाया करती थी एक राक्षस हुआ करता था बहुत ताकतवर था और राक्षस जो है ना बहुत मार रहा था किसी से मर नहीं रहा था तो साधु के पास गया राजकुमार के भी हमारे प्रजा को मार रहा है हम क्या करें तो साधु जी ने कहा ये राक्षस की आत्मा सात समंदर पार एक पेड़ है पेड़ के अंदर घोसला है घोसले में चिड़िया है उसमें है उसको मारोगे तो मरेगा तो वैसे ही ये जो एंटी हिंदू जो एकेडमिक्स का माहौल है और जो एकेडमिक्स ना उनकी आत्मा जाए ना जो उनका फ्रेमवर्क है उसको फ्रेमवर्क में दोनों तरक से है मैं अंदर से भी जाकर बाहर से भी अटैक करेंगे तभी ये जो है ना इनका भवन टूटेगा अनफॉर्चुनेट क्या कि हिंदू समाज में अभी भी वो प्रिपेरनेस नहीं आई है और उसका... मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले सवा सालों से एफर्ट्स चल रहा है देखिए सबसे पहले आर्य समाज ने शुरू किया आप देखेंगे स्वामी दयानंद ने शुरुआत की फिर उसके बाद गुरुदत्त विद्यार्थी का दो किताब है टर्मिनोलॉजी बेदा विजडम ऑफ ऋषि फिर हिस्ट्री में भगवत दत्त जी वगैरह आए वो कई लोगों की परंपरा है फिर रामस्वरूप जी आए वगैरह फिर आप लोग आपने सब बीड़ा उठाया तो ये परंपरा चल रही लेकिन इन सारा चीज़ों का ऑर्गेनाइज एफर्ट्स अभी नहीं हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं वो सारे जो है ना उनका उन्होंने जो फ्रेमवर्क कंट्रोल करना वो फ्रेमवर्क भी हमें डेवलप करके उनको अटैक करना होगा दिल्कुर, दिल्कुर। और फिर हमें अपना भी फ्रेमवर्क बनाना होगा कि वी कैन सस्टेन एंड एस्टेब्लिश दिस इज व्हाट वी आर हर एक पुस्तक में हमने एक पॉइंट को अटैक किया एक मतलब स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पर उन जो दूसरी तरफ है, के लोग हैं उनका फ्रेमवर्क हमने सीखा अपने लोगों को सिखाया ताकि वो भी समझे उसमें क्या गलतियां हैं उसको डिमोलिश किया और जो हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए वो सजेस्ट किया फिर वो जब वो काम हो गया तो फिर हमने दूसरी पुस्तक में एक और युद्ध शुरू किया फिर तीसरी पुस्तक में एक और युद्ध शुरू ये बहुत बड़ा काम है और ये काम करने में बहुत देर लगेगी और कितने लोगों की जरूरत बहुत, बहुत बड़ी सेना चाहिए अब बहुत ये बड़ी सेना कैसे लाए हम हम तो ये ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम लोग ऐसे मिलते जब तक लड़ाई में पहला काम है स्कॉलर नहीं पैदा होंगे हमें विद्वान नहीं होंगे तो अभी तो हमारा ये प्रॉब्लम है स्वामी जी जब हाँ। भी हम पुस्तक खड़ी करते हैं एक तो युद्ध हमारा वेस्टर्नर्स के साथ होता है दूसरा इंडिया में जाके इंडियन लोग भी यही हमारे से लड़ाई करते हैं कुछ लोग कहते हैं ये क्यों कर रहे हो कुछ लोग उन्हीं से मिले हुए हैं हाँ। कुछ लोग कहते हो आप क्या क्वालिफाइड हो हम कहते हैं चलो आप ज़्यादा क्वालिफाइड तो आप करो आप करोगे आप करोगे मेरे को नहीं करना पड़ेगा मैं रिटायर होकर आराम करूंगा मैंने तो, मैं तो इतनी मेहनत की मेरे को तो रिटायर होना चाहिए अभी अब मैं इसलिए रिटायर नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं हा? तो ये हमारे लोगों में निंदा भी की भी आदत है कि वो जेलसी भी है कि कोई और कर रहा है मेरा, मेरा काम है मेरी टर्फ है मे, पोलिटिकली मेरी टर्फ है ये क्यों कर रहा है ऐसे भी है तो स्कॉलर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल कारण क्या है कि बहुत समय से हिंदू समाज जो है ना मार खा रहा है और मार इतना खाते खाते जो है ना डर जो है ना इंटरनलाइज हो गया है तो जब आदमी बहुत लंबे समय तक तो कोई समाज सिविलेशन कम्युनिटी अंडर जिसको कहते हैं लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर लॉस ऑफ इकोनॉमिक पावर लॉस ऑफ मिलिट्री पावर हो जाता है ना तब उससे शत्रु से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है दे बिकम कैनबुलिस कैनेबुलिस्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है खुद को खाने लगते हैं आज हिंदू समाज की वही स्थिति है कि शत्रु से लड़ने का ताकत नहीं है तो हम खुद से लड़ते हैं और हमारे में कोई लड़ने आ रहा है हमारा उसी का पैर खींचना है तो हमें सबसे पहले ये भी एक काम करना है कि हिंदू समाज के जो डिफिटिस्ट साइक है इससे बाहर निकालना होगा और उसको इस तरह का इमेज इमेज उसको इमेजिनेशन उसके अंदर डाना होगा कि भाई ये सब चीज़ों छोटे मोटे लेक पुलिंग निंदा से बाहर निकल के जो बड़ा चैलेंज है उस पर काम करना है वहाँ मिलकर काम करो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत काम करता हूँ मेरा भी बहुत विरोध होता है इंटरनल एक्सटर्नल सब तरह के लेकिन मेरा स्वभाव है मैं सरकम बेंड करता हूँ कि भाई इन यहाँ लड़ाई का कोई फायदा नहीं यहाँ से कोई फायदा नहीं हेड ऑन कोलिजन नहीं करना हमारा एम तो कहीं और है बड़े शत्रु जहाँ हो उसके लिए तैयारी करो उसके लिए लड़ाई करो यहाँ अटक जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे तो यही हम लोग को भी करना पड़ा जी 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 और स्वामी जी अब ये दलाई लामा जो हैं वो वी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो वी के फाउंडर भी थे One of the founders was there. ये लोगों को पता नहीं हैकूला हाँ भी हाँ uh, हाँ हाँ? हाँ? uh, हाँ? 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 थे जो बाद में मतलब मंगोलिया केमेरिका में है ये जो अमेरिकन बुद्धिस्ट बन गए हैं इनको हिंदुज़म के अगेंस्ट काफ़ी है इनका विचार जो बुद्धिस्ट यहाँ है इंडिया के तो और बात है जो अंबेडकर वाले हैं उनका तो दलित मूवमेंट वो तो एंटी हिंदू अलग कारण है जो यहाँ पर है उनको है कि उनको ये गलत हिस्ट्री सिखाई गई है कि बुद्धिज़्म आउट ऑफ इंडिया बाई हिंदूज एक्चुअली मुस्लिम ने इन्वेट किया था और जो बुद्धिस्ट थे वो ज़्यादा ईजी टारगेट थे क्योंकि वो सेंट्रलाइज थे वो वो गृहस्थ में नहीं थे वो मंक्स थे तो इसलिए उनके जो इंस्टीट्यूशन पर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा थी उनको घेर के उनको मार कर सकते थे हिंदूज को तो बस स्प्रेड आउट इट वॉज नॉट सो इट इज़ नॉट कि हिंदूज ने उनको निकाला क्योंकि आप देखें जैसे नेपाल में है कोई लड़ाई बड़ी नहीं हुई जैसे आप देखें हर हर्षवर्धन तक देखिए हर्षवर्धन चक्रवर्ती राजा थे ना भाई हर्षवर्धन बौद्ध राजा थे

लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं बुद्धिस्ट नॉट तिब्बतन पीपल तिब्बतन पीपल जो है ना जो लोग तिब्बतन आप ही खुद तिब्बतन है वो तो बहुत ही हमारे को सपोर्ट करते हैं हिंदुज्म कर, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है पर आ, मैं बात कर रहा हूँ जो वेस्टर्नर्स हैं जो बुद्धिस्ट बन गए हैं और बुद्धिज्म को काफी यहाँ फैला रहे हैं काफी कर रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली एंटी हिंदू लॉट ऑफ दिस पीपल उनको उनमें है कि हिंदुज्म वाज इन्फीरियर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम ये सारा कुछ उनमें है ये आर्यन द्रविडियन था ये था वो था तो उन्होंने ये मैनिपुलेट करके फिलॉसफी को मैनिपुलेट करके रिचुअल्स को इंटरप्रेट करके हिस्ट्री को लगा कर वो एंटी हिंदू बन गए हैं तो उसका क्या करना चाहिए क्योंकि अब अब ये दलाई लामा इज वेरी फ्रेंडली तो उनके थ्रू कुछ करवाना चाहिए ऐसा बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैंड ऑफ बुद्धिस्ट ऑडियंस एंड से वी आर वन विद हिंदू ये जो है बहुत बड़ी बात है नहीं लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे देखिए दलाई लामा तो करेंगे लेकिन ये जो जितना बड़ा वेस्टर्न बुद्धिस्ट है और उनका हमारे बुद्ध प्रोजूडिस बना है उसके पीछे भी हिस्ट्री है क्योंकि सारा लेफ्ट लिनियल जो लिबरल जो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ उन्होंने वैसा मैनुपुलेट करके वैसा गढ़ा जैसे आप बोल रहे हैं

तो भगवान बुद्ध में इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं था बहुत क्लियर था लेकिन या या। क्या है कि वैसा ही जैसे मैंने बोला ना कि बाइबल में एक शब्द जैसे मैं बोला बाइबल में लिखा है कैमल कैन पास द आई फर निड इल बट रिच मैन कैन डू और मैक्स मैक्स वेवर कहता है इफ वांट टू बिकम रिच एंड प्रोस्पर हे टू बिकम क्रिश्चियन तो वैसे ही क्या है कि भगवान बुद्ध के शिक्षा कुछ और है लेकिन वेस्टर्न लोगों ने उसको बुद्धिज्म को नए जार्गन में डाल करके नए स्ट्रक्चर में डालकर उसको प्रजेंट करे तो हमारा भी पहला काम है कि दलाई लामा डिक्लेयर करें हमें भी कुछ अपनी तैयारी करना होगा हम... कि है पीपल नो, नो, कि हमने, हिंदू बुद्धिस्ट रिलेशनशिप्स और हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी और वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट बोलने के लिए इसलिए मैं आपको बताऊं राजी साहब बोले हमने साउथ एशिया में पहले काम करता था हमने एक शुरू किया सिविलाइजेशनल एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया मैंने हमने एक प्लेटफॉर्म हिंदू बुद्धिस्ट सिंतो ताओ कन्फ्यूशन की वी आर फाइव पीपल है ना जो फॉलो धर्मा करते हैं कहीं ना कहीं से तो हम लोग इकट्ठा करना चाहिए अगर हम धर्मा लोग इकट्ठे हो जाए वी आर इकोनॉमिक पावर वी हैव ए यंग मैन पावर सारा बहुत बड़ा फोर्स जी जी बहुत बड़ी बात हाँ तो अगर हम लोग करके आ सकते हैं तो इस पर भी हमने एक मलेशिया में कॉन्फ्रेंस किया था वेरी गुड तो ये एरिया हमें करना चाहिए कि हम पांच लोग केवल हिंदू बुद्धिस्ट नहीं क्योंकि हिंदू बुद्धिस्ट केवल बात करें तो कई बार क्या होता है जो बाइलेटरल डिस्कशन होता तो है उसमें हमारे डिफरेंसेस भी आ जाते हैं तो उसको हमने कहा मल्टीलेटरल कर दो और कई लोग अब ये जैन को भी सेपरेट करना चाहते हैं हाँ। आप ये को पता हो हाँ, अमेरिका पता में हाँ। तो बहुत मूवमेंट है हाँ, ये जे, जेन है स्टडीज उसमें हिंदूज को नहीं बुलाएंगे उसमें हिंदू को अलग करेंगे और क्या जैन में खूबी है जो हिंदू में नहीं है क्या हिंदूज ने उनको उनके टेम्पल डिस्ट्रॉय किए ये सारी हिस्ट्री बनाई जाती है सब बनाएंगे ना सब क्या है कि यही चीज़ है कि यही चीज आवश्यक है कि जो हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं अमेरिका में मेड मनी उनको मेरा मानना कि उनको एजुकेट हमें करना चाहिए कि कि भाई तुम जो ये सब पैसा कमा रहे हो ये पैसे का कोई मतलब नहीं, नहीं है अगर जब तक जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हो उसकी यहाँ प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं होगी तो आपके जो चंद संतान है दे विल नॉट स्टैंड एज ए प्राउड हिंदू विद गर्ड्स एंड कॉन्फिडेंस जब मैंने अर्ली uh, नाइनटीज में बिजनेस लाइफ छोड़कर आई गॉट इन टू दिस I was convinced के within इन years ईयर्स दस पंद्रह लोग और भी मेरे को मिल जाएंगे मेरे साथ दे विल ऑल्सो से ओके आई मेड इनफ तो ठीक है इट इज नॉट सो ईजी हमारे लोग Every human being is like that. Uh -huh. Those who are successful feel ke ek do zeros aur add kar dein. Haan, bas unhi naam pe ka chakkar. Haan, aur ek aur add one or two more zeros at the end. So that it never ends. It never is no end to it. Haan, uh -huh. no end to it. And uh, is ilake mein, Princeton ke ilake mein, bahut dhani log hain. within ten miles, I will tell you uh -huh. so many Indians.

तो तभी वो इंसान आगे इस जो जो आप कह रहे हैं वैसे कर सकता है बाहर से उसको आ, उसको आर्ग्यूमेंट देकर वो इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आ सकता नहीं उसके अंदर बाहर से नहीं होगा देखिए क्या है कि उसको अंदर से जो एजुकेशन होगा ना ये भी बताना पड़ेगा वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन की वाट यू आर क्रिएटिंग ये सब मटेरियल मेटेरियल एम्पायर है इज़ नॉट गोइंग टू तो गो एनी वेर यू तो उसका रियलाइजेशन होता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुओं को सबसे बड़ी चीज़ याद दिलाना चाहिए मौत का

बहुत 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 मजा आया, खुशी हुई आपसे बात करने से। हमें भी so कि आप आए और आए और हमारे घर आपस में है नहीं नहीं अरे आपको अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बोलना है भाई आपको वहाँ सेशन है ऑलरेडी हैं वहाँ कब है कब है ये सात आठ नौ अभी से लिख लो अगले साल सात आठ नौ सितंबर इसका कारण क्या है कि ये एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंदीन नाइन्टी और ये आपने अच्छा किया सितंबर सेवन नहीं किया हाँ, उसके पहले किया हाँ, क्योंकि सितंबर में इतने सारी चीजें होती हैं है हम हमने इसलिए किया कि वो सात आठ नौ फ्राइडे सैटरडे संडे था ठीक बात है और दूसरा चीज हम मैसेज देंगे कि दिस इज टू रिक्लेम द डे दिस इज टू रिक्लेम द डे वन सिविलेशन गेव यू द ट्विन टावर डिस्ट्रक्शन वन सिविलेशन गेव यू द मैसेज यूनिवर्सल सिविलेशन यू वांट टू रेस्ट बिल्कुल ठीक बात है वेरी गुड बहुत बढ़िया जरूर आएंगे ठीक है तो बहुत खुशी हुई नमस्ते